ऐसे सभी साथियों को जो वी बैंकर से अभी हाल में जुड़े हैं या वी बैंकर से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों को वी बैंकर की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन। कई साथियों ने इस बात के लिए जिज्ञासा प्रकट की है, यह जानना चाहा है कि वी बैंकर्स क्या है, इसका संगठनात्मक स्वरूप क्या है। जिस समता और बराबरी को हासिल करने के लिए वी बैंकर आंदोलन कर रहा है, उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए वी बैंकर्स का रोड मैप क्या है, रास्ता क्या है, और यह जो मौजूदा व्यवस्था है उस व्यवस्था से यह किस रूप में भिन्न है। ऐसे साथियों की इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उन्हें भी बैंकर की जानकारी देने के लिए हम इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। वी बैंकर्स केवल एक कर्मचारी संगठन नहीं है, ट्रेड यूनियन नहीं है, यह एक सोच है, विचारधारा है और आंदोलन है। और यह सोच सोची समझी यात्रा का नाम है, वी बैंकर्स की यात्रा एक समझी सोची समझी यात्रा है और इसकी मंजिल है बैंक कर्मचारियों के खोए हुए मान और सम्मान और स्वाभिमान को वापस पाना, वेतन पेंशन और कार्य दिवस में समता और बराबरी को पाना। तो जब हम यह कहते हैं कि यह एक सोची समझी यात्रा है, तो सोची समझी यात्रा के लिए जिस तरीके से आप कभी यात्रा की शुरुआत करते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो पहले एक रास्ता निर्धारित करते हैं, फिर ये तय करते हैं कि ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, कि टैक्सी से जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे। जिस तरीके से आप अपनी गंतव्य पहुँचने के लिए एक सोची समझी तरीका आजमाते हैं, वी बैंकर्स ने भी उसी तरीके को आजमाया है। और इस तरीके को समझने के लिए आपको जो ये मौजूदा व्यवस्था है, जो मौजूदा स्वरूप है, उसको थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा और अतीत में झांकना पड़ेगा। जब हम बैंक कर्मचारियों के श्रमिक संघ आंदोलन के इतिहास में जाते हैं, अतीत में झांकते हैं, तो हम तीन तरीके के दौर पाते हैं। पहला दौर उन बैंक कर्मचारियों का है जिन्होंने उस दौर में काम किया जब बैंक कर्मचारियों का बैंक में आने का समय निर्धारित था, जाने का समय निर्धारित नहीं था, उनकी कोई कार्य की दशाएं नहीं थी, उनकी कोई सेवा शर्तें नहीं थी। बैंक की नौकरी से निकाल दिया जाना रोजमर्रे का काम था। आज जिन हम एक्ट की बात करते हैं, ये एक्ट नहीं थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं था। तो उस दौर में अन्याय के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जिन लोगों ने हिम्मत और बहादुरी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़कर बैंक कर्मचारियों के संगठन बनाए, और यह संगठन जिन परिस्थितियों में बने, लगभग आज वैसी ही परिस्थितियां हैं। उस वक्त की यह परिस्थिति थी कि बैंक कर्मचारी यूनियन का सदस्य बनने से डरता था, घबराता था। आज भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं जब हम बदलाव का एक आंदोलन चला रहे हैं। आज भी वही स्थिति है कि बैंक कर्मचारी का बैंक आने का समय तो नियत है, बैंक से जाने का समय नियत नहीं है। तो वो जो हमारे अतीत के नेता थे,
जिन्होंने लगभग 1937 से गुपचुप तरीके से एक ट्रेड यूनियन बनाई और जिसकी परिणति 20 अप्रैल 1946 को देश की सबसे पहली यूनियन राष्ट्रीय यूनियन बैंक कर्मचारियों की यूनियन AIBA के स्थापना से खत्म हुई। तो हम जब उन तीन दौरों की बात करते हैं तो एक वो दौर है जिस दौर में कर्मचारियों के नेताओं ने अपनी नौकरी को ताक पर रखकर हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ बैंक कर्मचारियों के संगठन बनाए, AIBA को बनाया और अपने संघर्ष के जरिए हमको कई अवार्ड दिए। उन कई अवार्डों में आज केवल दो अवार्ड ऐसे अवार्ड हैं जो आज भी बैंक कर्मचारियों की सेवा और शर्तों को निर्धारित करने का काम करते हैं और वो अवार्ड हैं शास्त्री अवार्ड और देसाई अवार्ड। जब हम शास्त्री अवार्ड और देसाई अवार्ड का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उस दौर के नेताओं के अंदर कितनी काबिलियत थी, उनका बुद्धि कौशल कितना था, उनकी चतुराई कितनी थी, उनमें लड़ने का मादा कितना था, उनमें संघर्ष करने की कितनी क्षमता थी। इन नेताओं के विचारों को जब हम मांग पत्र के रूप में शास्त्री अवार्ड और देसाई अवार्ड में पढ़ते हैं, उनके तर्कों को पढ़ते हैं और फिर ये निष्कर्ष के रूप में पाते हैं कि उन्होंने बैंक कर्मचारियों को जो वेतन दिलवाने में सफलता प्राप्त की थी, वो सफलता इतनी गौरवशाली सफलता थी कि रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बैंक कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन से कुछ अधिक राशि मिली थी। तो एक दौर उन नेताओं का है जिन नेताओं ने संघर्ष का इतिहास रचा है और उस संघर्ष का इतिहास रचने वाले उन तमाम नेताओं के नाम आज अनाम हैं, वो एक अनसंग हीरो हैं। अगर उस दौर के किसी एक नेता का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है और कानून की पुस्तकों में दर्ज हुआ है तो वह नाम है श्री HL परवाना जी का नाम। HL परवाना जी का नाम एक सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में दर्ज है। जब पंजाब नेशनल बैंक में कई कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, बड़ी संख्या में कर्मचारी निलंबित किए गए थे, बर्खास्त किए गए थे, 1959 का सुप्रीम कोर्ट का यह नतीजा, आज भी कई कर्मचारियों के न्याय दिलवाने में सहायक सिद्ध होता है। HL परवाना जी भी बार बार नौकरी से निकाले गए, सस्पेंड किए गए, सुप्रीम कोर्ट से उनकी बहाली हुई, उसके बाद भी निकाले गए, जिससे वो इतना तंग आ गए कि उन्होंने बैंक की नौकरी से त्याग पत्र दिया और दिल्ली के चांदनी चौक में बल्ली मारान से वो फुल टाइम ट्रेड यूनियन वर्कर का दायित्व निभाने लगे। तो संघर्ष करने वाले नेताओं का दौर देसाई अवार्ड के खत्म होने तक समाप्त हो जाता है। इसलिए समाप्त हो जाता है कि ये लोग वो लोग थे जिन्होंने 1937 से ट्रेड यूनियन करना शुरू किया था। 25 साल इन्होंने लगभग ट्रेड यूनियन कर ली थी और ये बात आज कोई भी व्यक्ति, सामान्य मस्तिष्क का व्यक्ति यह जान सकता है कि एक ट्रेड यूनियन के नेता का निर्माण करने में लगभग 20 साल का या 25 साल का समय लगता है। वो नीचे से ऊपर तक पहुंचने में उसको लगभग 25 साल की कम से कम अवधि लगती है। जब ये नेता चले गए तो दूसरा दौर उन नेताओं का आया जो इन नेताओं की छत्र छाया में पले थे, जो लड़ते लड़ते थक गए थे, जिनमें संघर्ष का वो मादा नहीं था जो इन नेताओं के अंदर मादा था। इन नेताओं को हम समझौतावादी नेताओं के रूप में चरितार्थ करते हैं। समझौतावादी नेताओं के रूप में इसलिए कहते हैं
किस देशशास्त्री अवार्ड और देसाई अवार्ड के बाद बैंक कर्मचारियों की ओर से एक मांग उठी कि उनका जो तरीका होना चाहिए, अब वेतन निर्धारण का तरीका, पेंशन के निर्धारण का तरीका, सेवा शर्तों के निर्धारण का तरीका, वो तरीका बायलेटरल नेगोशिएशंस के जरिए कलेक्टिव बार्गेनिंग के सिद्धांत के अंतर्गत अक्रॉस द टेबल बैठकर तय किया जाना चाहिए और इस तरीके से द्विपक्षीय समझौते की मांग हुई। सरकार ने यह द्विपक्षीय समझौते की मांग को माना और हैदराबाद में EIBA की एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में मांग पत्र तैयार किया गया और जो वो मांग पत्र तैयार किया गया, जो ऐतिहासिक चूक हुई, जो ऐतिहासिक गलती हुई, चाहे वो जानबूझकर हुई, अनजाने में हुई, लेकिन उस गलती को, उस चूक को आज के बैंक कर्मचारियों को जानना और समझना जरूरी है। वो चूक ऐसी चूक है कि उस चूक की वजह से हम आज तक इस 54 साल की व्यवस्था को, जो जिसे एक गौरवशाली व्यवस्था होना चाहिए था, क्योंकि दुनिया के जो मजदूर संगठन हैं, जो ट्रेड यूनियन हैं, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक आदर्श के रूप में देखते हैं, ये एक आदर्श तरीका माना जाता है, लेकिन ये आदर्श तरीका बैंक कर्मचारियों के मामले में एक आदर्श तरीका साबित क्यों नहीं हुआ, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हम आपको याद दिलाते हैं कि 1957 में एक श्रम अधिवेशन हुआ, श्रम सम्मेलन हुआ, जिसे हम पहले 7वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के रूप में जानते हैं। इस अधिवेशन में जिन दो कांग्रेस के नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने भाग लिया, और वो नेता हैं जिन्होंने ट्रेड यूनियन में काम किया था, इन नेताओं के नाम हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी और दो बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे श्री गुलजारी लाल जी नंदा। इन दो प्रमुख नेताओं की देखरेख में देश भर में जितने एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन थे, एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन थे, सरकार के प्रतिनिधि, इन तीनों लोगों ने बैठकर उन साइंटिफिक और रीजनेबल, एक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण तरीके से वेतन और कार्य दशाओं के निर्धारण के लिए सिद्धांत तय किया। इन्होंने वेतन के मामले में यह तय किया, उस जमाने के जो विशेषज्ञ थे उनकी रिपोर्टों को पढ़ा और यह पाया कि एक आम गरीब आदमी को रोज खाने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, पहनने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान कितना बड़ा चाहिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस ये निर्धारित की। तो ये जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया, जो फेयर वेज निर्धारित की, जो लिविंग वेज निर्धारित की, तो जब हमारा पहला द्विपक्षीय समझौता होने जा रहा था तो उसका मांग पत्र बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। एक गलती हो गई, एक चूक हो गई। हमारे उस वक्त के EIBA के नेतृत्व ने 20% वेतन वृद्धि की मांग कर दी और जब इस 20% वेतन वृद्धि की मांग पर, यानी प्रतिशत वेतन वृद्धि का जब खेल शुरू हुआ और 19/10/1966 को हस्ताक्षरित होने वाले समझौते का प्रारूप बना, तो EIBA की दिल्ली में 5 दिन तक कॉन्फ्रेंस हुई थी। आज का दौर नहीं था,
आज के नेता होते तो चुपचाप दस्तखत करते। उस दौर के नेताओं ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को 5 दिन तक जिस समझौते पे वो दस्तखत करने जा रहे थे, उस समझौते पे सवाल पूछने, बहस करने का पूरा पूरा मौका दिया था। और उस अधिवेशन में, उस कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने 2 बातों का खुलकर विरोध किया था। एक बात थी वो मैकेनाइजेशन को परमिशन देने की के खिलाफ, और दूसरा विरोध था उनका इस परसेंटेज इंक्रीज के खिलाफ। तो ये प्रसिद्ध बढ़ोतरी का खेल 19/10/1966 को हस्ताक्षरित हुए द्विपक्षीय समझौते से शुरू हुआ और यह आज तक उसी तरीके से जारी है। यह एक 54 साल की व्यवस्था बनी है। इस 54 साल की व्यवस्था में बैंक कर्मचारियों ने, जो पिछले नेता थे उन्होंने जो संघर्ष के जरिए अधिकार अर्जित किए थे, उन्होंने जो मान सम्मान और स्वाभिमान दिलाया था, उसको समझौता वाली जो हमारे नेता थे उन्होंने लगभग 4th द्विपक्षीय समझौते तक उसको बरकरार रखा। लेकिन अगर जब हम इतिहास में झांकते हैं तो हम ये पाते हैं कि हर द्विपक्षीय समझौते में हम कुछ ना कुछ खोते गए, बजाय पाने के हम खोते गए। अब एक तीसरा दौर हमारे वर्तमान नेताओं का है। जो ये दूसरे दौर के समझौतावादी नेता थे, ये उनके पिछलग्गू थे। अगर आज आप इनके इतिहास में झांकेंगे तो इनमें से अधिकांश नेताओं ने कभी चार्जशीट नहीं पाई, कभी मीमो नहीं पाया, कभी इनका पनिशमेंट पे स्थानांतरण नहीं हुआ, इन्होंने कभी ट्रेड यूनियन एक्ट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को ढंग से पढ़ा नहीं। ये तो एक बने बनाए संगठन में बड़े बड़ी पोस्ट पर केवल इस वजह से पहुंच गए कि इनकी एकमात्र योग्यता हुआ करती थी समझौता वाली जो नेता था उसका पिछलग्गू होना, और उस पिछलग्गू होने के नाते बैंक कर्मचारियों में इस तरीके का संदेश जाना कि ये हमारे बड़े नेता जी का बहुत खासम खास दाहिना हाथ है, इसलिए इसको अब नेता बनना चाहिए। आज का दौर समर्पणकारी नेताओं का दौर है। जो समझौतावादी नेता थे वो समझौता करते वक्त कभी कभी लड़ जाते थे, टकरा जाते थे, कभी तो लड़ते थे, वो इस बात का ध्यान रखते थे कि हम जो समझौता करने जा रहे हैं वो समझौता इतना घटिया समझौता ना हो कि बैंक कर्मचारियों के बीच में जो हमारा सम्मान है वो सम्मान को हम खो दें। तो जब हम वी बैंकर की बात करते हैं तो वी बैंकर का जो संगठन का स्वरूप है वो वही संगठन का स्वरूप है जो 1937 से शुरू हुए ट्रेड यूनियन मूवमेंट के द्वारा अपनाया गया, वही स्वरूप जो कभी 1946 में बनी AIBA ने अपनाया, या उसी समय की एक दूसरी यूनियन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अपनाया, यानी यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कहते हैं तो उसका मतलब होता है बैंक कर्मचारियों का एकमात्र संगठन। चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हो, चाहे सेवारत कर्मचारी हो, चाहे विभिन्न विभिन्न बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी हो, उन सारे कर्मचारियों का एक संगठन। और वी बैंकर ने कोई नया काम नहीं किया है, अपने उन्हीं नेताओं को जिन्होंने हमें मान सम्मान और स्वाभिमान दिलाया था उनका जो संगठन था उस संगठन के स्वरूप को अपनाया है। यह इसलिए अपनाया है क्योंकि जो 1946 वाली AIBA थी उसका जो संगठनात्मक स्वरूप था, समय के बीतते बीतते उसको विभिन्न बैंक वाइज यूनियन में कन्वर्ट कर दिया गया। आज बैंक कर्मचारियों के न जाने कितने संगठन हैं जो प्रदेश के स्तर पर वहाँ के स्थानीय रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के कार्यालय में पंजीकृत हैं,
अगर उनकी संख्या निकाली जाएगी तो कम से कम 400 या 500 बैंक कर्मचारियों के संगठन आपको मिलेंगे। इसी तरीके से रिटायरीज के संगठन है, हमें बताया गया कि लगभग 64 संगठन रिटायरीज के संगठन है। तो ये जो ये संगठन बने और जो इस दौरान 54 साल की व्यवस्था में हुआ उसको समझना और सोचना जरूरी है। आज अलग अलग बैंकों में अलग अलग तरीके की सुविधाएं हैं, बैंक कर्मचारियों की एकता खंडित हो गई। इसी तरीके से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं ये 64 संगठनों में विभक्त हैं, इनकी भी एकता तार तार है। और क्या हुआ है इस 54 साल में और क्यों ये स्थिति आई है? जब हम एक रास्ता तय करना चाहते हैं तो हमें ये बहुत बार सोचना पड़ता है कि आखिर वर्तमान जो व्यवस्था है, जो बैंक कर्मचारियों को सौभाग्य दुर्भाग्य में बदला है, जो उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है? अगर हम कारण को जान लेंगे, उस कारण का निदान करने की कोशिश करेंगे तो संभव है हम मंजिल तक पहुंचेंगे। आप सब लोग, खास तौर पर जो हमारे रिटायरीज भाई हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि 90 के दशक में पेंशन का लाभ पाने के लिए बैंक कर्मचारी दो भागों में विभक्त हो गए। उस वक्त तक स्टेट बैंक में, इलाहाबाद बैंक में और कुछ विदेशी बैंकों में पेंशन का प्रावधान था, बाकी बैंकों में पेंशन का प्रावधान नहीं था। जिन बैंकों में पेंशन का प्रावधान था वहाँ ये थर्ड रिटायरल बेनिफिट के रूप में मिलती थी। जब हम थर्ड रिटायरल बेनिफिट कहते हैं तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और पेंशन। जो बाकी बैंकों के कर्मचारी थे उनके पास पेंशन की सुविधा नहीं थी, उनके पास कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड था और ग्रेच्युटी थी। तो 90 के दशक में बैंक कर्मचारी दो भागों में विभक्त हो गए। एक भाग पेंशन को इन लिए ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए मांगने लगा, एक भाग कहने लगा कि इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक की तर्ज पर हमको पेंशन तीसरे लाभ के रूप में मिले। ये दोनों पक्ष अलग अलग हड़ताल करने लगे, अपने अपने पक्ष के समर्थन में चीजें देने लगे और फिर एक समझौता 29/10/1993 को पेंशन के समझौते के रूप में सामने आया। यह पेंशन का समझौता हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से अधिकतर लोग जानते हैं कि यह 1/1/1986 से लागू हुआ। यह एक ऐसा नायाब समझौता है जिसकी मिसाल अगर हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट का इतिहास पढ़ते हैं तो कोई ऐसा समझौता नहीं पाते जो 29/10/1993 को हस्ताक्षरित हो, 1/1/1986 से लागू। यानी 7 साल 9 महीने 10 महीने पीछे चले गए। इस पीछे जाने की वजह क्या थी? इस पीछे जाने की वजह थी कि उस दौर के जो सारे बड़े नेता थे वो 1/1/1986 से 29/10/1993 की अवधि में रिटायर हुए थे, वो पेंशन का लाभ पाना चाहते थे और जोड़ तोड़ हुई थी, साठ गांठ हुई थी, कर्मचारियों की एकता बिखर गई थी। तो IBA ने बैंक कर्मचारियों के नेताओं के इस लालच का पूरा फायदा उठाया और उसने इनको इस बात पर राजी कर लिया कि पेंशन को प्रॉफिटेबिलिटी से जोड़ दिया। अब पेंशन प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ गई और इसका जो आगे आने वाला समय था उसका ध्यान नहीं रखा गया। पेंशन के समझौते में कुछ
ऐसे प्रावधान आ गए जब पेंशन का रेगुलेशन बना कि कई कर्मचारियों ने पेंशन आप्ट करने से मना कर दिया। एक प्रावधान था कि अगर आपने बैंक कर्मचारियों की हड़ताल में भाग ले लिया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आप पेंशन के पात्र नहीं रहेंगे। भले ही बाद में यह प्रावधान हटाया गया, लेकिन जिस समय ये ऑप्शन दिया गया उस समय 1995 में जब पेंशन का रेगुलेशन बना उसके अंदर ये प्रावधान था। तो कई कर्मचारियों ने इस वजह से उन नेताओं के द्वारा जो कैलकुलेशन चार्ट बांटे गए थे, क्योंकि उस समय प्रोविडेंट फंड पर जो ब्याज मिलता था वो 11% था, 12% था, लोग कैलकुलेशन करके कह रहे थे जितनी तो पेंशन मिलेगी उससे ज़्यादा तो हम ब्याज के रूप में कमा लेंगे जब रिटायर होंगे। तो इस कारण से बहुमत ने पेंशन को ऑप्ट नहीं किया था। जो हमें आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 51% कर्मचारियों ने पेंशन का विकल्प नहीं चुना था। अब इस दौरान क्या क्या हुआ है इसके बारे में हम अपनी जो अगली श्रृंखला होगी उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। वी बैंकर को समझने के लिए, वी बैंकर की फिलॉसफी को जानने के लिए, उसके आंदोलन को जानने के लिए, उसकी विचारधारा को जानने के लिए यह हम श्रृंखला इसलिए शुरू कर रहे हैं कि वी बैंकर के बारे में बहुत तरीके की भ्रांतियां हैं, दुष्प्रचार है, क्योंकि एक व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है तो स्वाभाविक है कि लोग इसको समझ पाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उनकी उसी कठिनाई को का समाधान निकालने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। अगली श्रृंखला में हम आपको इस पेंशन समझौते यानी खास तौर पर पेंशन के नाम पर जो बैंक कर्मचारियों का विभाजन हुआ इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे।